हेलो दोस्तों, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल मास्टर आरिफ में। तो आपको मालूम होना चाहिए हम पंच लेकर आ गए हैं, आज से हम पंच सीखेंगे। मगर आपको पता होना चाहिए कि शाओलिन वाले इस तरीके से कीक चलाते थे, उसमें हाथ को ऐसा रखते थे और चलाते थे कीक। वो इसलिए ऐसा करते थे कि कीक चलाते वक्त आपका हाथ मजबूत हो। इसी तरीके से शाओलिन वाले जब पंच चलाएंगे तो पाँव से वो काम ज़्यादा लेंगे, ताकि पाँव मजबूत हो, कोई चीज़ खाली नहीं जाए। तो देखिए हम लोग कैसे पंच चलाते वक्त स्टांस कैसे बैठेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टांस समझ लेंगे, हॉर्स स्टांस माबू। देखिए इधर से शुरू करते हैं। देखिए आपको ऐसे रहना है और ये वन माबू। अब ये देखिए आपका ये पांव सीधा होना चाहिए और ये थाई भी सीधी होनी चाहिए और ये कमर भी सीधी होनी चाहिए, जैसे कि आप घोड़े पे बैठे हो। दोनों पाँव को देख लीजिए और ये दोनों ऐसे अंदर की तरफ बेंड ना हो और बाहर की तरफ से भी ऐसा ना हो। घुटना भी देखिए एकदम सीधा होना चाहिए और घुटना देखिए ऐसा खुला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घुटना बाहर और कमर सीधी और पंच इस तरीके से रखेंगे। आप दूसरे मार्शल आर्ट वालों की तरह इस तरीके से ना बैठे एकदम ऐसे, या फिर ऐसे ना रहे ऐसे। इसलिए आपको एकदम सीधा बैठना था कि आपकी थाई मजबूत हो, और थाई जितनी मजबूत होगी उतना पंच भी मजबूत होगा, क्योंकि पंच का पावर पाँव से ही निकलता है। तो समझ लीजिए इस स्टांस को, देखिए ऐसे। और अब एक कदम आगे कैसे चलना है ये देखिए, वन टू, ये अब उस तरफ से चलेंगे थ्री, ये देखिए माप देखिए बराबर एकदम, फोर ये देखिए फाइव। अब इसको इस तरफ से थोड़ा सा समझ लीजिए, ये देखिए वन, ये देखिए बैठे एकदम सीधा। आपको नीचे भी नहीं जाना है, देखिए नीचे की तरफ भी बैंड नहीं करना है, ऊपर की तरफ भी नहीं, एकदम बीच में यहाँ से एकदम स्टॉप करके बिल्कुल हिलेंगे नहीं, बस वहीं रहेगा। वन ए टू, ये देखिए थ्री फोर, आप ये देखिए चेस्ट देखिए एकदम ऐसे सीधा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा एकदम। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ लेते हैं तो पंच चलाने में आसानी होगी और पंच में पावर ज़्यादा आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।